अस्सलाम वालेकुम अखिलास बेटा, उम्मीद करती हूँ सब हेल्दी से होंगे। आप लोग मैथ की बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 74। 74 पेज पे हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 12, मेयरमेंट। मेयरमेंट किसको कहते हैं? किसी चीज को नापना, ठीक है। मेयरमेंट में हमारे पास क्या रहता है? लेंथ। पहले हमारे पास रहता है लेंथ। लेंथ क्या मतलब होता है? लंबाई, ठीक है। नीचे हमारे पास टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग अ थिंग इज, वी मेयर इट्स लेंथ। जब हमें ये मालूम करना हो कि कोई चीज कितनी लंबी है तो हम उसकी लंबाई मापते हैं, ठीक है। वी कैन यूज आवर बॉडी पार्ट्स टू मेजर लेंथ। हम उसको नापने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हाथ हो गए, हमारे पाँव हो गए, ठीक है। जब हम ऐसे किसी चीज की लेंथ नापनी हो, मतलब कोई रूम हो, तो रूम में हम किस तरह नापेंगे? अपने फुट फुट के जरिए, ठीक है, अपने कदम के जरिए नापेंगे। फिर उसके बाद जब हमें कोई किसी चीज कि ऐसे लंबाई मालूम करनी है, तो बाद हम हाथों से भी वो करते हैं कि ये कितना है। पहले एक हाथ रखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। इसी तरह जब हम किसी चीज को गज में नापते हैं कि गज में कितनी है, तो फिर उसको हम कोनियों से नापते हैं, क्यूबिट, ठीक है, उसको हम कोनियों से नापते हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं कि मतलब कि एक घर है तो दूसरा घर उसके कितने फासले पर है, तो हम कदमों से, मतलब एक कदम, दो दो कदम, तीन कदम, चार कदम, इस तरह कदमों से भी चल के वो चीज नापते हैं, ठीक है। ये नापने के तरीके हैं मुख्तलिफ। पहला है मेजर योर क्लास रूम लेंथ यूजिंग स्ट्राइड एंड राइट टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइड्स। अब क्लासरूम तो नहीं है, हमने क्लासरूम में क्लासरूम की लेंथ नापनी थी स्ट्राइड के लिए, मतलब कदम के लिए हमने नापनी थी। तो वो हमारे पास, आप लोग, आप क्लासरूम तो नहीं है, आप घर में बैठे हुए हैं, तो आपने क्या करना है? अपने रूम की, ठीक है, रूम में आपने अपने कदम के लिए नापना है, लेंथ नापनी है, ठीक है। और उस लेंथ को वापस किधर लिखना है? इस ब्लॉक में लिखना है, ठीक है। रूम की लेंथ नापनी है कदम से, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, जितने भी हुई तो वापस उसने लिखना है। अगर फाइव हुई तो फाइव स्ट्राइड, सिक्स हुई तो सिक्स स्ट्राइड, सेवन हुई तो सेवन स्ट्राइड, इस तरह लिखना है, ठीक है। आगे हमारे पास मेजर योर टेबल यूजिंग हैंड स्पेन एंड राइट टोटल नंबर ऑफ स्पेन। अब आपने क्या करना है? टेबल को हैंड स्पेन, हैंड के जरिए, स्पेन के जरिए पॉलिश करना है, मतलब, ठीक है। तो उसको नापना है वो कितना है, थ्री स्पेन है, टू स्पेन है, वन स्पेन, आपके हाथ का जितना भी स्पेन हुआ तो आपने उतना वो लिख देना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क करना है। ये अगले पेज पे आ जाए। अगले पेज पे हमारे पास क्या है? मेजरमेंट विद स्केल, मतलब स्केल के साथ हम किसी चीज को मेजर करते हैं। अब देखें, कपड़ों की जो लंबाई होती है वो किससे नापते हैं? हम इंच टेप से नापते हैं। अगर लंबाई थोड़ी छोटी हो तो वो इंच टेप से नापते हैं, अगर उससे बड़ी हो तो उससे बड़े वाले इंच टेप से नापते हैं, ठीक है। और अगर थोड़ी हिसाब में हो तो वो किसे हम नापते हैं? स्केल से नापते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में आ जाती है, इंच में भी आती है और सेंटीमीटर में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया? एक घर दिया हुआ है कि हमने उसको देखना है कि वो कितना कितना सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जीरो से। बल बच्चों यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, जीरो से स्टार्ट हुआ है लेकिन यहाँ पे जीरो आ नहीं रहा, फाइव से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो कितना, कहाँ तक जा रहा है इसकी लेंथ? कितने तक जा रही है? फिफ्टी तक, फिफ्टी के बराबर हो रहा है, ठीक है। ये फिफ्टी के बराबर हो रहा है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर होगी इसकी लंबाई। देखिए 50 के बराबर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ब्लॉक में लिखेंगे 50। सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे पास नीचे है, नीचे इसकी लंबाई कितनी है? हम लंबाई देखते हैं, लंबाई इसकी कितनी है? 30 मीटर है, ठीक है। लेकिन 30 मीटर के बराबर जा रहा है ऊपर। तो अगर हम इसकी लेंथ बच्चों देखते हैं तो कितने तक आएगी? 28 तक, ठीक है। इसको इधर से 28, तो इसका कितने मीटर होगी? 28 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे हम लिखेंगे 28 इसका आंसर हो गया। इसी तरह हमारे पास क्या है? न्यूज पेपर है हमारे पास, हम उसकी लेंथ देखेंगे। तो न्यूज पेपर हमारे पास कितनी लेंथ तक जा रहा है? 40 तक, ठीक है। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 40 सेंटीमीटर, ठीक हो गया।
इसी तरह नीचे हमारे पास डॉग है, तो डॉग कितने कितना सेंटीमीटर लंबा है वो देखते हैं, ठीक है। सेवेंटी थ्री सेंटीमीटर हमारे पास क्या है डॉग लेंथ में लंबा है, ठीक है 73 सेंटीमीटर। इसी तरह नीचे बेल्ट आता है, बेल्ट कितना सेंटीमीटर आ गया है हमारे पास 94 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे जो स्केल दिए गए हैं वो थोड़ा मतलब पीछे से क्या है 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आगे जो है तो आगे नंबरिंग में उतना ही जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो मैंने आंसर लिखवाए वही लिखना है, ठीक है, अपनी बुक पे वही आंसर लिखने हैं 94 सेंटीमीटर जो मैंने लिखवाया है, ठीक है। या आपने अपनी बुक पे काम करना है, जहां से समझ नहीं आई वीडियो वापिस पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।